क्या तैयारियां की है सीजन टू की? बहुत सी तैयारियां की है और सीजन टू में बहुत सारे कुछ चेंजेस के बारे में बताना चाहेंगे? सर आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से सेकंड सीजन जो है वो डिज़ाइन किया गया है? देखिए सबसे खास बात तो ये है कि सीजन टू हो रहा है, सीजन टू हो रहा है, हमने पहले सीजन वन किया, सक्सेसफुल तरीके से किया, उसको बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला। एक छोटा सा बच्चा, उसके दिमाग में ये आइडिया आया, उस आइडिया को उसने इम्प्लीमेंट किया, करके भी दिखाया। एक इतने छोटे बच्चे के द्वारा कोई इवेंट करना, कोई शो लेके आना, कोई बात सामने रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, जिंदगी लोग बच्चे की बात मान लेते हैं। लेकिन कोई अच्छा बात, जैसा कि मैंने इसका स्टोरी सुना कि किस तरह से इसके दिमाग में आया, किस तरह से इसके मन में आया, तो इसको ध्यान में रखते हुए अगर सीजन टू हो रहा है तो ये सबसे बड़ी अच्छी बात है। क्योंकि सीजन वन के अगर अच्छा नहीं होता, रिस्पॉन्स नहीं मिलता, तो सीजन टू नहीं आता। सीजन टू आ रहा है इसका मतलब है कि सीजन वन में हमको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, लोगों ने पसंद किया। हम जैसे कि बताया कि बहुत सारे इंडिया के बहुत सारे स्टेट्स में गए, बहुत सारी जगह में किया, ऑडिशन किया, प्रोडक्शन किया, और पूरे पैन इंडिया से लोगों को चांस दिया। आज बात यह है कि इसमें आपके पास कोई भी टैलेंट हो, आपके पास सिंगिंग हो, डांसिंग हो, आप अच्छी म्यूजिकली करते हो, आप अच्छा किसी की नकल करते हो, या कोई ऐसा टैलेंट है जिससे को देख के लोग बहुत पसंद हो पाए या एंटरटेन हो, तो वो प्लेटफॉर्म देने का कोशिश छोटे से बच्चे ने किया है। हम सब इसके कारवा में शामिल। सीजन टू में कुछ नए चेहरे भी नज़र आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? नहीं देखो, कभी भी बदलाव तो होता ही है, नए नए चेहरे आते भी हैं, नए चेहरे नई नई चीज़ें आने की एक 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 अच्छे स्टेप की निशानी होती है कि हर बार जब कोई नया काम करता है तो उसके लिए नए नए लोग कदम रखते हैं, नए लोग ज्वाइन करते हैं। जब ज्वाइन करते हैं इसका मतलब है कि हाँ कुछ अच्छा पास में हुआ था, अभी कुछ और अच्छा होने वाला है। शम्स, इसके अलावा ऑडिशन किस तरह का होने वाला है, क्या तैयारियां की गई है? क्या पिछली बार की तरह सभी सिटीज़ में जाने वाले हैं या और भी कोई सिटीज़ ऐड किया है आपने? आप ऑडिशन के लिए क्या उसी सिटीज़ में जाएंगे जहां पर पिछली बार गए थे, या इस बार कुछ और सिटीज़ आपने ऐड ऑन किया है? सर आपसे जानना चाहेंगे, जूरी मेंबर है आप, कितनी तैयारियां की है आपने और सीज़न वन आपने देखा क्या? ये तो हमारे प्लेटफॉर्म पर है, डेफिनेटली सीज़न वन देखा है। तैयारी ज्यूरी मेंबर की नहीं होती, मेन तो तैयारी कंटेस्टेंट की होती है सबसे पहले। बट हाँ, कब होता है जब आपके पास इतने सारे कंटेस्टेंट होते हैं, इतने सारे आपके पास टैलेंट है, तो उसमें से बेस्ट ऑफ द बेस्ट निकाला वो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होती है। तो यार डेफिनेटली हम वेट करें कि शाम अच्छी सिटीज में जा जा के सक्सेसफुल जा जा के नए टैलेंट से क्या था कि हमें भी मौका मिले टैलेंट को देखने का और इन्हें जूरी में शोकेस करने का। सीज़न वन जिस तरह से हुआ था, सीज़न टू में क्या कुछ नई चीज़ ढूंढने का प्रयास आपकी ओर से हुआ? जी, अपने भारत देश में टैलेंट की कमी नहीं है। आप कहीं भी चले जाओ, बॉम्बे हो, एमपी हो, यूपी हो, कश्मीर, मतलब कितना टैलेंट भरा हुआ है कि मतलब फर्स्ट सीज़न तो चलो हुआ हुआ, बट सेकंड सीज़न में आपको नई चीज़ें और देखने मिलेंगी। अगर मैं अभी इसको करूँगा या शम उसको करेंगे तो उसका मज़ा नहीं आएगा। तो हम ये चाहेंगे कि जितनी हमारी ऑडियंस है, जितने भी व्यूअर्स हैं, हमारे इस एपिसोड का वेट करें और देखें कि क्या क्या चीज़ों में इसमें बचाव होने वाला और क्या क्या है। शम्स, लास्ट सीज़न में एज क्राइटेरिया नहीं रखा गया था, इस बार क्या वो होने वाला है? और कितने कंटेस्टेंट्स को आप लोग फाइनलाइज करेंगे? 40। सर आपसे जानना चाहेंगे, नई चीज़ है, कितने एक्साइटेड है और क्या तैयारियां आपकी ओर से की गई है? देखो, तैयारियां हमेशा एक साथ से शुरू करते हैं। पिछले साल जब पहला सीजन हुआ था तो मुझे बताया गया कि उसके पास से ही सुनना शुरू कर दिया कि हम पहला सीजन कर सकते हैं। तैयारी तो आपकी करनी पड़ती है, कोशिश तो यही है कि उसका प्लेटफॉर्म दिया जाए, अच्छे लोगों को मौका दिया जाए, वो लोग जो पीछे रह जाते हैं, वो लोग को मौका नहीं मिल पाता, वो लोग थोड़े से उन्नीस रह गए हैं जो पहुँच नहीं पाए, उनके प्लेटफॉर्म में और
आपके पास जो टैलेंट है, जो भी आपके पास टैलेंट है उसको सामने देगा, बस यही कोशिश है और यही हमें लिए कोशिश नहीं है। पिछला सीजन करने के बाद ये सीजन हम करने जा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। जनरली जो मैंने पहले कहा, लोग एक सीजन करने के बाद या तो भूल जाते हैं या तो छोड़ देते हैं, लेकिन हम सीजन टू नहीं किया है, हम अभी भी करेंगे और करते रहेंगे। ये सीजन टू उसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है कि हम सीजन वन करने के बाद सीजन टू लेकर। टैलेंट शो के कई सारे प्लेटफॉर्म्स है, गली गाइज ने पिछली बार ये साबित किया कि वो सब बेहतर है। इस बार किस तरह से चैलेंज होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सारे नए प्लेटफॉर्म्स भी आ चुके हैं टैलेंट्स के लिए, तो ऐसे में गली गाइज कितना एफर्ट करने वाला है लोगों तक पहुंचने के लिए? आपको बहुत बड़े बड़े भी मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म मिलेंगे बहुत बड़े स्केल में किए जाते हैं। गली गाइज की खासियत ये है कि हर गली मोहल्ले के बच्चे टैलेंट है और यही हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज भी है। हम कैसे उनको कोशिश करके हम एक अच्छे तरीके से कोशिश कर पाए, कोई अच्छा गाना गाता है लेकिन उसको उसको मौका नहीं मिला, उसको वो चीज़ नहीं मिली, वो सपोर्ट नहीं मिला, तो वो हम सपोर्ट देने की पूरी कोशिश करेंगे और हमारी तरफ से पूरा 100% लगाएंगे कि जो भी टैलेंट है उनका सामने आए और अच्छे तरीके से आए, हम अच्छे तरीके से बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा जल्द इसके अलावा कोई सजेशन आपने दिया है कि इस सीज़न में कुछ चेंजेस करने चाहिए, ऐसा कोई सजेशन आपकी तरफ से? बहुत काबिल है और क्रिएटिविटी लिमिट में क्योंकि सीमा नहीं है, तो क्रिएटिविटी का इतना भरपूर हमें मसाला दे सकते हैं या हमें मसाला दे सकता है तो सबसे लिए अच्छा। सब्जी में जब थोड़ा सा मसाला अच्छा हो तो अच्छे लगता है, क्रिएटिविटी की कोई कमी नहीं। अच्छा, लास्ट सीज़न जो टेलीकास्ट हुआ था आपके प्लेटफॉर्म पर, तो क्या रिस्पांस रहा, कितना बढ़िया रिस्पांस मिला था और इस सीज़न से क्या एक्सपेक्टेशन है? तो क्या एक्सपेक्टेशन होगी आपकी इस सीज़न से? मैम आपसे जानना चाहेंगे क्या इस तरह से सवाल के साथ जुड़ी हुई हो आप और क्या सपोर्ट करने आए हो, क्या शुभकामनाएं देंगी आप? लोगों के लिए आप लोग किसी तरीके से सामने उनको लेकर आएंगे? हमारा जो है
ये बेसिकली इसका यही मीडियम है कि बहुत सारे लोग जो अच्छे से प्रशिक्षण प्राप्त हो जाते हैं पाता या वो निराश हो जाते हैं या एक लेवल हमारा एम नहीं है इस प्लेटफॉर्म के बदले में ओके थैंक यू सर रिपीट कर सकते हैं लोग इस प्रोग्राम में को पहले फर्स्ट सीजन में तो सेकंड सीजन में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं टैलेंट है तो बिल्कुल डेफिनेटली पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिनको चांस नहीं मिला या रह गए रहो तो आपको ये पैसा के जरिए अपना चांस थैंक यू सर ओके थैंक यू सर कर दो आज के फंड इस बार पूरी कौन कौन सोने वाले सेलिब्रिटी में ये बता दीजिए मैडम बताएंगे जूरी कौन कौन सी सेलिब्रिटी में होने वाले इस सीजन में सेकंड में कुछ और सेलिब्रिटी भी दिखाई देंगे इस सीजन में जो आएंगे आप देखिए आपके सामने आएंगे बोल नहीं सकते कौन आएंगे अच्छा पिछली बार के जो कंटेस्टेंट थे जो विजेता थे क्या वो रिपीट होंगे इस सीजन में या उन्हें क्योंकि जिस तरह से बाकी के जो शोज होते हैं रियलिटी शोज उसमें उन्हें जज बना दिया जाता है तो क्या यहाँ पर भी कुछ ऐसा कुछ होने वाला ऐसा गेस्ट बुलाएंगे तो वापस कोई नया टैलेंट अच्छा टैलेंट इसके अलावा एक बहुत ज़रूरी सवाल है कि 25 लाख आपने लास्ट टाइम ऐलान किया था तो वो किसे मिला और उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे किस तरह से आप जुड़े हैं इसी तरह बहुत ही मुश्किल था जी का संस का जो प्रयास है वो उसी तरह है जिस तरीके से मधुमक्खी जो है वो फूल ढूंढती है किस फूल से मैं शहद फूल तो मेरा शहद जो है उसको कुछ भी चाहे उसी तरीके से और ये टीम वर्क है जो टीम पूरी मेहनत कर रही है नई नई चीज़ें गलियों में से पहले निकालना ये अभी तक चीज़ें नहीं किया ये फर्स्ट प्रयास इसका ही था और परिणाम बहुत अच्छा होगा क्योंकि आधार बहुत अच्छा होगा जब पूरा अच्छी होती है परिणाम हमेशा अच्छा होगा मेन चीज़ है कि उनके अंदर कोई लालच नहीं है और उस प्राइस को लेने के लिए लोगों ने अभी से होल्ड करके लगी है कॉन्टैक्ट करके सिखाने लगे वो ही जैसे निकलेगा बेस्ट से बेस्ट टैलेंट लेके वो टैलेंट मान की वेबसाइट पर ही नहीं मुझे वर्ल्ड में जाएगा क्योंकि जी का जो
वो ये है सब तरीके की तरह होती है, लेकिन उसमें अगर सबका सहयोग और अल्लाह मेहरबान हो जाए तो बड़ी हो जाती है। मैडम एक चीज़ आपसे ये भी जानना चाहेंगे और कम साहब से भी जानना चाहेंगे कि गली से गलियों से टैलेंट निकालना तो जितना मुश्किल नहीं रहा था, उससे ज़्यादा मुश्किल उनको मैनेज करना रहा था। लास्ट सीजन में जो हमने देखा आपस में लड़ाई झगड़े करना, तो इस बार क्या उस चीज़ से आपने सीखा है और क्या इस बार वो गलतियाँ होगी? उसके लिए कुछ तैयारियां है, क्योंकि कहते हैं कि हम अपने जो पास्ट होते हैं उससे सीखते हैं, तो क्या तैयारियां इस बार होगी? अच्छा, ये सीजन का फिनाले कहाँ होने वाला है? मैडम आपसे जानना चाहेंगे। लखनऊ में फाइनल होता है। थैंक यू। 25 लाख अखिलेश भाई घुमाओ। लाइट जा रहा हूँ वही ले। एक बार सब लोग ऐसा कर 20 मिनट अरे पूरा वाइट कर, खोल दे पूरा, खोल वाइट कर। अरे वाइट हाँ, इसे यही छपेगा, यही छपेगा, ऐसे खड़ेगा, वहीं रखो वहीं रख। किस तरह से आप जुड़े हैं क्या बताना चाहेंगे? एक्चुअली सीजन टू अभी तक जहाँ तक मुझे पता चला कि लाइक एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, जितने भी लाइक जो डिजर्व करते हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है। ओके, सो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिल रहा है जिनको जो डिजर्व करते हैं। आई होप कि ऐसे ही जितने भी इंडिया में बहुत लोग हैं जिनको कोई प्लेटफॉर्म चाहिए, तो इसी तरह के बहुत ही शो आए जहाँ पर लोगों को एक चांस मिले। उसके अलावा आप किस तरह से गाइड करने वाले हैं, क्योंकि आप भी खुद इन्फ्लुएंसर भी है, किस तरह से गाइड करेंगे आप? एक्चुअली मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर बात करें इंडिया की, ऑल ओवर द इंडिया, तो ऑल ओवर द इंडिया में बहुत सारे विलेजेस हैं, बहुत सारे गांव हैं जहाँ पर कुछ बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, ठीक है, उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। तो अब यहाँ पर जो आज लेके आए हैं, ठीक है, जो भी सीजन है, सीजन टू, सीजन वन में तो आई होप कि और लोग बहुत अच्छे अच्छे लोग आए रहेंगे, बट सीजन टू की बात करें तो आई होप कि इंडिया से जितने लोग आए, जितने लोग हो सके पार्टिसिपेट करें, ठीक है, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। थैंक यू। 25 लाख का चेक हमने हमारे पास ही रखा था, फिर मीडिया के जनता नगर को दे दिए, और हमारी ये कंडीशन थी कि जो भी हमारे गरीब लोग हैं उनसे सही सही जवाब देंगे तो उनको वो पैसा दिया जाएगा। अनफॉर्चुनेटली कोई उम्मीदवार नहीं आया कि जो सफल हुआ इन प्रश्नों से लेकर, और वो चेक अभी भी मैडम के पास है और आज हम उसे वापस लेंगे। और हम वेरी मच वी आर वेरी उससे कोई मतलब वो नहीं था, और आने वाले सीजन में भी, सेकेंड सीजन में भी हमारा यही प्राइस बने रहेंगे 25 लाख के। इस बार बढ़ाएंगे नहीं, इस बार बढ़ाएंगे नहीं, 25 तो है ना उतनी ही अभी, तो ये सीजन में क्या क्या टारगेट किया, कौन कौन से सिटीज में आप जाके प्रमोशन करेंगे और कहाँ कहाँ से टैलेंट निकाल के लाएंगे? ये एक यूनिक शो है, ऐसा शो आज तक किसी भी टीवी चैनल पे या भारतवर्ष के किसी भी स्टेज के ऊपर ऐसा शो नहीं हुआ है। हम लोग जो है भारत के अलग अलग सिटीज में गए थे, इस बार हम लोग जो है और नए सिटीज में जाएंगे, जैसे कि लखनऊ, नागपुर, हैदराबाद, रांची, हैदराबाद, यहाँ पर जाकर के हम वहाँ पर ऑडिशन करेंगे, ऐसे श्रम से लिए में जाकर के, ऐसी जगह में जाकर के हम लोग चैलेंज को तलाशते हैं कि जहाँ पर उनको कोई अवसर नहीं मिलता, उनको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, और बाकी जो लोग होते हैं उसके अंदर ऑलरेडी चैलेंजेड पीपल लोगों पर चैलेंज दिखाते हैं। हम अनचैलेंजेड पीपल को लेकर के आ गया, स्किल लेवल को लेकर के आ गया, उनको स्किल बनाते हैं, हम तो ग्रूम करते हैं, डेवलप द स्किल, देखते हैं कि भाई इसके अंदर क्या टैलेंट है। और 25 लाख का फिर से रखेंगे हम लोग प्राइस। हमारे पास भी नहीं, उन्हीं के पास।
थैंक यू सर।